नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 14 अगस्त। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 94,500 के पार। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन 3,906 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या 94,459 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 163, अरवल में 64, औरंगाबाद में 67, बांका में 23, बेगूसराय में 197, भागलपुर में 66, भोजपुर में 72, बक्सर में 118, दरभंगा में 108, पूर्वी चंपारण में 220, गया में 179, गोपालगंज में 54, जमुई में 18, जहानाबाद में 127, कैमूर में 103, कटिहार में 200, खगड़िया में 86, किशनगंज में 51, लखीसराय में 49, मधेपुरा में 62, मधुबनी में 149, मुंगेर में 55, मुजफ्फरपुर में 88, नालंदा में 110, नवादा में 37, पटना में 399, पूर्णिया में 130, रोहतास में 94, सहरसा में 175, समस्तीपुर में 64, सारण में 98, शेखपुरा में 62, शिवहर में 24, सीतामढ़ी में 133, सिवान में 54, सुपौल में 64, वैशाली में 50, पश्चिम चंपारण में 79। वहीं दूसरी तरफ कोविड 19 से ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसके बाद ठीक होने वालों की संख्या 62,507 पर पहुंच गई है। वहीं कोविड 19 की वजह से 484 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में हुई रिकॉर्ड तोड़ जांच। बिहार में कोविड 19 का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं लगातार मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जांच की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। बीते दिन बिहार में रिकॉर्ड तोड़ जांच भी करवाई गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 24 घंटे में कुल मिलाकर 104,452 सैंपल की जांच की गई है। कोविड 19 संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर में दूसरे दिन भी 1% की वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 66.17% पर पहुंच गई है, जिसके बाद राज्य में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 31,467 हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलवाने के लिए एक बार फिर से बहन आई सामने। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलवाने के लिए उनकी बहन लगातार सभी से सिफारिश कर रही है। इसी क्रम में एक बार फिर से उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए लोगों को एक साथ आने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें समझने का हक है कि श्वेता ने इसके लिए अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो कह रही हैं कि यह समय है कि जब सच्चाई की जीत हो। कृपया हमारे परिवार की मदद करें इस बात को सबके सामने लाने में कि आखिर सुशांत के इस कदम के पीछे की असली वजह क्या थी। यदि हमें न्याय नहीं मिला तो हमारा परिवार कभी भी शांति नहीं रह पाएगा। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कोविड 19 से निपटने और इलाज की व्यवस्था को लेकर मांगा जवाब। बिहार में कोविड 19 के बेकाबू बढ़ रहे मामलों को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार से जवाब मांगा है, जिसके तहत पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन कोविड 19 के लगातार बढ़ रहे असर और इसके उत्पन्न होने वाले हालात पर सरकार से जवाब तलब किया है। पटना हाईकोर्ट ने राजधानी समेत सूबे में कोरोना के गंभीर हालात, मामलों और अदालतों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के संबंध में विस्तृत ब्यौरा पेश करने का निर्देश राज्य सरकार को दे दिया है। इस मामले में दिनेश कुमार सिंह की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को 20 अगस्त तक का समय दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन वन्य प्राणी परिषद की ली बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन बिहार राज्य वन्य प्राणी परिषद की बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, साथ ही इसके लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में इको टूरिज्म की संभावना बहुत ज्यादा है। वाल्मीकिनगर, राजगीर, गया, नवादा, अररिया, कैमूर समेत अन्य स्थानों पर भी इको टूरिज्म विकसित करने की जरूरत है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण और एक टीम बनाकर काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि निर्माणाधीन सभी कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करें और राजगीर में बनाई जाने वाली एलिवेटेड सड़क के निर्माण के बाद आवागमन में काफी सहूलियत होगी, साथ ही क्षेत्र का विकास भी होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने रानीगंज वृक्ष वाटिका, फारबिसगंज और अररिया में चिड़ियाघर बनाने का निर्देश भी जारी किया है। साथ ही संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में इंटरनेट के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। बिहार में बाढ़ की चपेट में 77 लाख से ज्यादा लोग हैं प्रभावित। बिहार में कोविड 19 के प्रभाव के साथ साथ बाढ़ से अब तक 16 जिले के 77.18 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। कई जिलों में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। हालात ये है कि कई जिलों में बांध भी टूट गए हैं। इस कारण गांव में पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से लाखों लोग इस वक्त बाढ़ की परेशानी से जूझ रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार 16 जिले जिसमें सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, मधुबनी, मधेपुरा और सहरसा जिले के 127 प्रखंड के 1271 पंचायत की 77,18,788 लोग प्रभावित है, जिसके लिए 7 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं और 1121 सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है, जहां पर 8,90,614 लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित दरभंगा जिला है, जहां पर 227 प्रखंड की 20,58,000 लोग बाढ़ से प्रभावित है।
प्लाज्मा दान करने वालों को प्रोत्साहन राशि अब देगी सरकार। कोविड 19 के बढ़ रहे माहौल को देखते हुए प्लाज्मा दान करने वालों को सम्मानित करने के लिए अब सरकार ने प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है, जिसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन बिहार की ओर से विश्व अंगदान दिवस पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया है कि कोविड 19 मरीजों के लिए प्लाज्मा दान करने वालों को समिति की तरफ से 1000 प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। जो लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से ठीक हो चुके, अगर वे कोविड 19 मरीज के इलाज के लिए प्लाज्मा देने को इच्छुक है, तो दिघीचा देहदान समिति में वैसे लोगों के पूरे बिहार में संपर्क कर उनकी सूची बनाई जाएगी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मुंबई पुलिस की इमेज को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस की तरफ से किए गए बर्ताव को लेकर एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया साझा की है, जिसके तहत उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच से जुड़े बिहार पुलिस के अफसरों के खिलाफ मुंबई में दर्ज करवाए गए मामले की अफवाह पर कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने व्यवहार के चलते मुंबई पुलिस की इमेज देश में विलन की तरह बन गई है। मुकदमा होता है तो इसका क्या मतलब है कि क्या वो बिहार पुलिस के अफसरों को सलाखों के पीछे कर लेते हैं? उन्होंने आगे कहा कि हम इतने नीचे नहीं गिरना चाहते कि हास्यपद है और अफसोस जनक होगा कि हम उन पर और वो हम पर मुकदमा करने लगे। ऐसा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। सहायक प्रोफेसर की बहाली का रास्ता हुआ साफ। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। इस पर शिक्षक नहीं होने की वजह से पठन पाठन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में बिहार राजभवन के निर्देश पर शिक्षा विभाग में बिहार के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति की कवायद शुरू कर दी गई है। नियुक्ति के लिए सेवा आयोग का गठन करने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद अब जल्द ही बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की बहाली की प्रक्रिया एक बार फिर से होने वाली है। ज्ञात हो बिहार के 14 विश्वविद्यालयों में लगभग 11,000 पद रिक्त पड़े हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे सबा करीम की। आज बात करेंगे सैयद सबा करीम के बारे में। सबा करीम विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। उनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में 14 नवंबर 1967 को हुआ था। उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर हाई स्कूल से की थी। सबा करीम राइट हैंड के बल्लेबाज और विकेटकीपर थे। सबा करीम ने मात्र 15 साल की उम्र से प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खेलने का फैसला लिया था। करीम ने 1982-83 में बिहार के प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्होंने 1990-91 में रणजी ट्रॉफी में उड़ीसा के खिलाफ 234 रन बनाए थे। फिर 1996 में सबा करीम का चयन दक्षिण अफ्रीका के मानक सीरीज के लिए हुआ था, जहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। सबा करीम को साल 2000 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे वनडे मैच में उनकी आंख में चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनके क्रिकेट से बाहर कर दिया गया था और इसी चोट की वजह से उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया था। वहीं सबा करीम ने साल 2018 में बीसीसीआई का नया चेयरमैन बनाया गया था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एनएमसीएच का बीते दिन किया निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार में बेलगाम बढ़ रहे कोविड 19 के मामलों को देखते हुए एनएमसीएच का दौरा किया है, जहां पहुंचकर उन्होंने डॉक्टरों के साथ बैठक कर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बातचीत की है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल प्रशासन को 250 पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि अस्पताल में जो भी कमी फिलहाल मौजूद है, उसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा और अस्पताल को जो भी आवश्यक होगी, उसे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पूरा करने की कोशिश करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया है कि लगातार मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए गांधी मैदान में फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल हुई पूरी। 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए गांधी मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार 10 बटालियन की ओर से फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल बीते दिन पूरी की जा चुकी है। निरीक्षण करने पहुंचे कमिश्नर संजय अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही गांधी मैदान में फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल कर रहे जवानों से सलामी भी ली है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हालांकि इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में सादगी के साथ मनाया जाएगा। हर साल कई विभाग की झांकियां स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुत की जाती है, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। चंपारण और मिथिलांचल की नदियां लगातार बढ़ रही है उफान की तरफ। बिहार में बाढ़ की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर बिहार रोड नेपाल से जल ग्रहण को लेकर दो दिनों में हुई तेज बारिश के कारण चंपारण मिथिलांचल से गुजरती नदियों के जलस्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दोनों जिलों में बाढ़ के आसार एक बार फिर से बनने लगे हैं। मुजफ्फरपुर में गुरुवार को पहली बार गंडक बूढ़ी गंडक बागमती का जलस्तर नीचे देखा गया है। मुजफ्फरपुर में गुरुवार को 53.79 मीटर मापा गया है, जो कि लाल निशान के करीब 1 मीटर नीचे है। वहीं बूढ़ी गंडक का जलस्तर 52.24 मीटर मापा गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हुई तेज बारिश के कारण चंपारण मिथिलांचल से गुजरती नदियों ने भी सभी लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। ऐसे एक कॉल में विधानसभा चुनाव के पहले मतदान सूची में जोड़े अपना नाम। विधानसभा चुनाव से पहले मतदान सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए बस एक कॉल करने की अब जरूरत होगी, तो उसके लिए एक नंबर से मात्र बिहार विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल करवा सकते हैं। इसके लिए सभी लोगों को 1950 पर कॉल करना होगा। इस बारे में उप विकास आयुक्त ने जानकारी दे दी और बताया है कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच हेल्पलाइन नंबर 1950 पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में पटना जिले के करीब 45 लाख मतदाता
7034 मतदान केंद्रों पर अपना मतदान करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। कोविड 19 के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी हुई शुरू। कोविड 19 के इस माहौल में चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव का आयोजन करवाना चुनौतीपूर्ण होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग द्वारा बिहार के चुनाव को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश तैयार कर दिए गए हैं। निर्वाचन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कोविड 19 के माहौल को देखते हुए राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर तैनात मतदान कर्मियों को थर्मल स्कैनर की सुविधा दी जा सकती है। इतना ही नहीं, मतदान कर्मियों को पीपीई किट भी दिया जाएगा। साथ ही सुधार सहायक मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे और इतना ही नहीं, सभी लोगों का मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। 20 साल बाद बिहार में एसटीएफ को मिलेगा अपना ट्रेनिंग सेंटर। बिहार के स्पेशल टास्क फोर्स को 20 साल बाद अपना ट्रेनिंग सेंटर मिलने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार कोविड 19 के चलते ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण कार्य बाधित नहीं हुए होते तो अब तक एसटीएफ को ट्रेनिंग सेंटर मिल चुका होता। हालांकि कुछ महीनों से काम पूरा हो गया है, जिसके बाद अगले साल से यहां प्रशिक्षण शुरू करवा दिया जाएगा। वहीं बोधगया के परिसर में एसटीएफ ट्रेनिंग सेंटर का काम जनवरी 2015 में शुरू हुआ था। इसका मकसद अफसरों को आत्मनिर्भर बनाना है। रिया चक्रवर्ती ने की एक बार फिर से पूरे मामले को मुंबई ट्रांसफर करवाए जाने की मांग। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में संदिग्ध पाई गई रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर से इस पूरे मामले को मुंबई ट्रांसफर करवाए जाने की मांग की है, जिसके तहत रिया चक्रवर्ती बिहार पुलिस की तरफ से उठाए गए कदमों को अवैध करार दिया है। मिली जानकारी के अनुसार रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पटना पुलिस के 25 जुलाई को गलत मामले को पूरी तरीके से निरस्त किया जाए और इस पूरे मामले को मुंबई पुलिस को सौंपना चाहिए। रिया का कहना है कि राजपूत के पिता ने उस पर बेबुनियादी आरोप लगाए हैं जो कि गलत है। राजद नेता ने की चिराग पासवान की तारीफ। इस चुनावी साल में राजद को चिराग पासवान काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। इसी क्रम में मीडिया से बातचीत के दौरान राजद प्रवक्ता अजय यादव ने चिराग की तारीफ की है और कहा है कि चिराग साफ साफ बोलते हैं और परिपक्व नेता है। नेता के तौर पर वो बखूबी उभर कर आए हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने आगे यह भी कहा कि बड़े दल के नाम के तौर पर तेजस्वी विधानसभा चुनाव 2020 में सीएम कैंडिडेट होंगे। उन्होंने बताया कि महागठबंधन में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, ना कोऑर्डिनेशन कमेटी की और ना ही बात विचार रखने की है। ये तो पूरी तरीके से संभावनाओं का खेल है। तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा की पकड़ कमजोर करने को लेकर नेताओं को दिया टास्क। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब नई रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। गोपालगंज में रामाश्रय कुशवाहा के साथ हुए मामले को लेकर के लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उपेंद्र कुशवाहा आवाज उठाते नजर आए हैं। उन्होंने कुशवाहा वोटरों में पहुंच बनाने के लिए इस बात का मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, ऐसे में राजद की नजर कुशवाहा वोटर पर लगी है ताकि उपेंद्र कुशवाहा की ताकत को कम किया जा सके। कोविड 19 के माहौल में बीते दिन बक्सर पहुंचे तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कोविड 19 के इस माहौल के बीच बीते दिन बक्सर पहुंचे थे, जहां अपने एक दिवसीय दौरे पर बक्सर के डुमराव अनुमंडल में नया भोजपुर गांव पहुंचकर उन्होंने सरफराज अंसारी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। साथ ही निशाने पर सरकार को लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोविड 19 के इस माहौल में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। आने वाले समय में बिहार को कोरोना का ग्लोबल हॉटस्पॉट बना जाएगा। बिहार सरकार का रवैया बिहार को उदासीन बना रहा है। कोविड 19 पर तेजस्वी यादव के सवालों का मंगल पांडे ने दिया जवाब। कोविड 19 को लेकर तेजस्वी यादव ने अपने बयान में मंगल पांडे को निशाने पर लेते हुए पूछा था कि बिहार में कौन सी जादू की छड़ी चल गई है कि पहले हर दिन 10 से 15,000 कोविड 19 जांच की जाती थी तो पॉजिटिव रिपोर्ट करीब 2 से 3,000 लोगों के आते थे, अब 70 से 75,000 जांच की जाती है तब भी पॉजिटिव रिपोर्ट करीब 2 से 3,000 ही आते हैं। जिस पर मंगल पांडे ने अपना जवाब देते हुए कहा है कि कोविड 19 जांच को लेकर तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे थे, उनको जिम्मेदारी के साथ बातों को मीडिया के सामने रखना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी की कोविड 19 जांच की रिपोर्ट आई सामने। 19 सितंबर से आईपीएल का आगाज होने जा रहा है, वहीं सभी टीम यूएई रवाना होने की तैयारी काम कर रही है। अगले सप्ताह तक सभी टीम दुबई के लिए रवाना हो जाएगी। कोविड 19 के संभावित परेशानी को देखते हुए बीसीसीआई ने कई दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कोविड 19 रिपोर्ट सामने आई है, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद अब वो सीएसके के ट्रेनिंग कैंप से जुड़ने के लिए तैयार है, जो कि चेन्नई में 15 अगस्त से लगने वाला है। मार्च में BS4 वाहन खरीदने वाले हजारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी राहत। BS4 वाहन के रजिस्ट्रेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च की समय सीमा से पहले जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनके लिए विशेष आदेश जारी किया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम लोगों को अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो गाड़ियां लॉकडाउन से पहले भेजी गई थी और जो ई वाहन पोर्टल में रजिस्टर है, सिर्फ उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा। 25 मार्च के बाद बेची गई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब कंपन महसूस होने के पहले एंड्रॉइड फोन आपको करेगा सतर्क। अब कंपन आने की स्थिति में एंड्रॉइड यूजर के लिए गूगल ने एक नई तैयारी कर ली है। गूगल द्वारा एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर के लिए सतर्कता टूल ऐड किया गया है। इसमें सैमसंग गैलेक्सी सीरीज स्मार्टफोन को शामिल किया गया है।
मेरी जानकारी के अनुसार गूगल ने कहा है कि वो एंड्रॉयड डिवाइस में कंपन से संबंधित एक अलर्ट जारी करने वाला है, जिसके लिए यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया गया है। सतर्कता भेजने की शुरुआत कैलिफोर्निया से की जाएगी। गूगल एग्रोपोस्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में प्राकृतिक परेशानियों को देखते हुए हमने ऐसा सोचा है कि एंड्रॉयड डिवाइस की मदद ली जा सकती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है खेसारी ऑफिशियल, अभिषेक कुमार, जितेंद्र कुमार, शिवम कुमार, पप्पू कुमार, उज्जवल कुमार, रघु वर, यदुवंशी, अर्पित कुमार, नवीन कुमार, सोहन कुमार, बिरजू बिहारी, भार्गव कुमार, अनुप कुमार, ज्योतिष कुमार, दौलत कुमार, महेंद्र मिश्रा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती की तरफ से पूरे मामले को मुंबई ट्रांसफर किए जाने की मांग कितनी सही है कितनी नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube